राव जवानी कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। जी हां, इस समय की बड़ी खबर, राव जवानी कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। 15,000 के निजी मुचलके पर जमानत हुई है। हम सीधे रुक करेंगे, हमारे संवाददाता शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, कोर्ट रूम में क्या हुआ? देखिए, जैसा कि जानते हैं कि इस मामले में सबसे पहले यही होता है कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत है तो इस मामले में सबसे पहले बेल लेनी होती है, क्योंकि 2 साल से कम का ये मामला है। तो कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है, 15,000 के मुचलके पर ये जमानत मिली है। जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं उनकी तरफ से ये अनुरोध किया गया कि वो जो ये मामला है इसमें बहस और जो दलीलें हैं वो अपनी तरफ से जारी रखेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जाने दिया जाए, कोर्ट ने इसकी इजाजत दी। तो उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल कोर्ट से निकल गए हैं, लेकिन कोर्ट में इस मामले में जो सुनवाई है, सुनवाई का मतलब जो अरविंद केजरीवाल का पक्ष रखने के लिए वकील हैं उनके और जो ईडी हैं, जो ईडी के वकील हैं, दोनों अपनी तरफ से जो है दलीलें पेश कर रहे हैं इस मामले में, लेकिन जमानत अरविंद केजरीवाल की हो गई है और वो कोर्ट से निकल गए हैं। मतलब पहली नजर में ये कहा जाए कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल के लिए राहत की बात है। बिल्कुल बड़ी राहत की बात है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही थी कि मुख्यमंत्री खुद आएंगे तो वो आए तो सही, उन्होंने बेल भी ली, लेकिन इससे आगे की जो जिरह है, जो आर्गुमेंट्स हैं वो अब जो है जारी रहेंगे। लेकिन जो पेश होने की जहां तक बात थी, अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में पेश होकर ये दिखाया कि वो अपनी तरफ से कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं और उनको जब बुलाया गया तो वो पेश भी हुए हैं। तो अब आगे की कार्रवाई कैसे रहती है वो जैसी होगी वैसी बताएंगे, लेकिन बड़ी राहत है अरविंद केजरीवाल के लिए।